दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस सेशन में। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। शुरू करते हैं आज के सेशन की बात। आज के सेशन का पहला प्रश्न, मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि शायद आपको सवाल दिखेगा, आराम से दिख रहा है तो मैं इधर होके बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें विजिबल हो जाएं। मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा दोस्तों आपके साथ मिलकर के। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, आप निम्नलिखित उदाहरण में किस प्रकार की त्रुटि देखते हैं ये आपको बताना है। विच टाइप्स ऑफ एरर यहाँ पर आपको दिख रही है, किस तरह की गलती, किस तरह की एरर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से ऑप्शंस आपके सामने हैं क्योंकि पैडागॉजी का बेहतरीन सेशन है तो आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताना होगा और चीज़ों को समझाना होगा, तभी तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ जल्दी से उत्तर मिलेगा आप लोगों का, तो यहाँ पर कुछ बात बने और आपके जवाब अच्छे से शुरू हो जाए आने। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत हुई है आप लोगों की तेजी के साथ उत्तर आने की, और मैं देख रहा हूँ क्या क्या उत्तर आपका मिलता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तेजी के साथ बढ़ चले हैं आप लोग आपके कदम। तो यहां पर जवाब देने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ए ऑप्शन यानी मूलभूत तथ्यों के ज्ञान में अंतराल से संबंधित त्रुटि यहां पर बताई जा रही है। यहां पर पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि आप बता रहे हैं, एल्गोरिथम के गलत उपयोग से संबंधित त्रुटि या लापरवाही के कारण त्रुटि। यानी विच टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ एरर डू यू सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल, दैट इज 205 इनटू 9 इज इक्वल टू 18045। एरर रिलेटेड टू इंटरवल इन नॉलेज ऑफ फंडामेंटल, एरर रिलेटेड टू द रिक्लासिफिकेशन, एरर रिलेटेड टू द इनकरेक्ट यूज ऑफ एल्गोरिथम, एरर ड्यू टू नेगलिजेंस। तो यहां पर ए ऑप्शन मिला है क्योंकि आप सबको लगता है कि एरर है तो एरर है, तो लेकिन ये जवाब जो आपने दिया है ए, वो एकदम गलत जवाब है। आप लोगों ने गलत जवाब को चुना है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि। यानी यहां पर गलती कौन सी है, पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि है। यानी ये जो गलती आप लोग कर रहे हैं, जो बच्चा कर रहा है, वो किसे, रिक्लासिफिकेशन, रीग्रुपिंग से संबंधित है। देखते हैं कैसे, मैं आपको चीज बताता हूं। आप देखिएगा वन, चलो हमने कहा 215 यहां पर लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई आपको करनी है कितने की, सपोज 9 की मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करोगे। आपने कहा 9 पंचे 45 का 5 कहां से लगे 4, 9 एकम 13 है ना, 9 पंचे 45 का 5 कहां से लगे 4, 9 एकम 9 और 4 13 और 9 दूनी 18 और 1 19, यही आएगा ना। तो यहां पर बच्चा ऐसे तो करता है कि 9 पंचे 45 हासिल लगे 4, 9 एकम 9 प्लस 4 13 हासिल लगा 1, तो 9 2 18 और 1 19, ऐसे तो करेगा बच्चा। तो यहां पर क्या, हाँ लिट सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो करेगा, लेकिन बच्चे ने क्या काम करा, बच्चे ने गड़बड़ कर दी। बच्चे को किसी ने बोला अगर कहीं आपको जीरो मिल जाए तो हम पूरा पूरा लिख देते हैं, तो बच्चे ने क्या लिखा, हमने कहा 9 5 45 9 0 0 और 9 2 18, उसने ऐसे कर दिया, गलत किया ना। क्यों गलत किया, कैसे करना चाहिए था, अगर वो 9 की मल्टीप्लाई करता तो कैसे करता, 9 5 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 0 0 प्लस 4, 9 2 18, तो उसने क्या नाम की क्या नहीं किया, उसने हासिल का उचित प्रयोग नहीं किया। जो चीज हासिल लगानी थी, जो चीज को कैरी ले जाना था, उसने कैरी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया, ये गलती उसने की, और यही गलती करनी उसको भारी पड़ गई। तो ये गलती नहीं करनी थी और इसीलिए भारी पड़ी। ओके, तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर जवाब दिया है आपने, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके ग्रेट, ओके नाइस सेशन यू हैड गिवन, नाइस आंसर्स यू हैड गिवन, तो काफी अच्छा जवाब आपका मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट लीजिए। ओके प्रतीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है, एक संख्यात्मक कौशल विकसित करना, दो समस्या हल करने के कौशल में वृद्धि करना, तीन विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, या चार
बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले। प्रतीक ने कहा बी, अजय ने कहा बी, लेकिन ये तो लग रहा है मुझे कोलावेरी डी, ये तो गलत कर दिया। तो आपके प्रथम जो उत्तर थे, एक बार कोला काला हुआ तो काला हो गया, फिर वो सफेद नहीं होगा, सही जवाब था, आपने एकदम सही दिया। लेकिन आप लोगों ने गलत किया। देखिए, अगर हम स्कूलों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। अगर आप बच्चे की गणित क्षमता का, गणित का गणितीकरण करेंगे, सोचने की प्रक्रिया का, तो उसके अंदर अपने आप संख्यात्मक कौशल, उसके अंदर कौशल समस्या हल करने की वृद्धि, उसके अंदर उसकी एनालिटिकल स्किल्स, ये सब डेवलप हो जाएंगे। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग फोर्थ लाइन सही है, मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस विल गिव यू द राइट आंसर। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं, संख्यात्मक कौशल विकसित करना एनसीएफ को लिमिटेड थोड़ी है कि वो पहली क्लास की बात कर रहा है। संख्यात्मक कौशल तो कक्षा एक और में आप स्थापित करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, कक्षा चार के छात्रों को हल करने के लिए निम्नलिखित पहेली दी गई, मेरे दोनों अंक सम हैं, पहला अंक दूसरे अंक की तुलना में छोटा है, मेरे अंकों का योग 10 है। ऐसे सवाल आते हैं टेट में। मैं कौन सी संख्या हूं, 46 या 56? छात्र को इस प्रकार की पहेली को देने का उद्देश्य क्या है? एक, उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यह आकलन करना कि वे सम और विषम शब्दों को समझते हैं, संख्याओं को जोड़ने और उनके कौशल का परीक्षण करना, छात्रों की समझ के स्तर का परीक्षण करना। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। तो यहां पर 188 का आंसर क्या देते हैं, तो यहां पर मिल रहा है आपका बी, यानी यह आकलन करना कि क्या वो सम और विषम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो यहां पर सभी लोगों ने, रमेश ने कहा ए, बाकी सब लोग ए, किसी ने कहा बी, किसी ने कहा डी। चलो तो बता देते हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका आंसर एकदम गलत है, रॉन्ग आंसर। ओके, तो ये आंसर जब गलत है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना है, किसी ने नहीं चुना सी, तो वो तो वैसे ही गलत है। हाँ भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना है उनका जवाब एकदम ही गलत है, और जिन्होंने कहा ऑप्शन नंबर ए उनका जवाब सही है। अफसोस, ऑप्शन बी एंड डी एंड सी आर रॉन्ग आंसर इफ यू हैड गिवन। गलत जवाब आपने दिया है, क्यों दिया है समझिएगा सवाल का जवाब, कैसे समझते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कक्षा चार में क्या दे रहे हैं, पहेली, तो बस इसी वर्ड पर रुक जाओ, आपको बस वर्ड पहचानना है, जब वर्ड पहचान में आ जाएगा तो सवाल चुटकी में हो जाएगा। ये पहेली यहां पर लिखा है, ये पहेली की क्या पहेली है, इस पहेली की कौन सी सहेली वो समझेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गणितीय खेल, मैथमेटिक गेम और मनोरंजनात्मक पहेली या गणितीय पहेली का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, नहीं रुका नहीं है, जो उद्देश्य है वो क्या है, बालक के अंदर रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट क्रिएट कराना, जिससे कि बालक को गणित आसान लगे। क्या समझ में आया, गणित का आसान लगे इस वजह से बालक के अंदर, उसके मस्तिष्क में हम ये चीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है, रुक कैसे गया है भाई, रुकना तो नहीं चाहिए था। ओके, लेट्स सी, मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप कह रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच, देखते हैं। तो समझ में आ रहा है, तो गणितीय पहेली और जो गणितीय खेल है या गणितीय संदर्भ है, ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ बालक के अंदर रुचि पैदा करने का काम करती हैं, ठीक है ना। ओके,
क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बताया जब भी आप हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि उन्हें गणितीय खेल या मनोरंजनात्मक पहेली के बारे में, तो आप याद रखिएगा गणितीय खेल और मनोरंजनात्मक पहेलियाँ। क्या हो गया? हेलो, सब ठीक तो चल रहा है? मेरे यहाँ तो चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर ले सभी लोग, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ तो ओके ओके एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वर्किंग ओके। एक बार फिर से स्टार्ट कर लो भाई, कुछ नेट हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके यहाँ पर, एक बार फिर से स्टार्ट करके देखिए चलेगा। ओके चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, नो इशू। ओके लेट्स सी। तो हम बात कर रहे थे गणितीय पहेलियां और गणितीय खेल सिर्फ और सिर्फ क्रिएट क्या करते हैं? मनोरंजन। तो इनका देने का उद्देश्य क्या है? इनको सिर्फ देने का उद्देश्य क्या है कि बालक की अंदर दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट क्रिएट करना और बालक को एक एनवायरमेंट देना जिस एनवायरमेंट में बालक उन चीजों को चैलेंज के रूप में स्वीकार कर सके। ठीक है ना? ओके क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो इस प्रॉब्लम में अगर इंटरनेट चल रहा है और अचानक डाउन आ जाए तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि इंटरनेट झटका मार जाए, लेकिन ब्रॉडबैंड लगा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा कंपनी का नेट यूज करते हैं हम। स्टार्ट कर लो, तभी चल गया था, बीच में अगर रुका भी होगा तो स्टार्ट हो गया था, डोंट वरी। ओके तो बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, कक्षा चार के छात्रों को उपयुक्त आकृतियों की सहायता से सिद्ध करने के लिए काम दिया गया कि एक ही परिमाप या परिधि, उदाहरण के लिए 24 सेंटीमीटर वाले दो या दो से अधिक आयत हो सकते हैं, छात्र के काम का आकलन करने के निर्देश क्या होने चाहिए? एक, 24 सेंटीमीटर के बराबर परिधि वाले दो आयत बनाने में सक्षम है, एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई उनमें से सभी दो को बनाने में सक्षम है, 24 सेंटीमीटर के परिधि से अलग अलग आयत बनाने में सक्षम है, एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई किस बनाने को अलग अलग संयोजन लिखने में सक्षम है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा, सवाल आपके सामने है। सवाल आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ, बिना देरी बिना रुके बिना रुकावट। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने है। तो यहां पर एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई के अलग अलग संयोजनों को लिखने में सक्षम है, यानी कक्षा चार के बच्चे को आपने एक सवाल दिया कि 24 सेंटीमीटर वाले दो या दो से अधिक आयत हो सकते हैं। अब छात्र को आपने सवाल देने के बाद क्या निर्देश दिया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, ये आपको बताना है। तो यहां पर ऑप्शन सबसे पहले तेजी से मिला है डी, बड़ा है तो डी है बड़ा है, तो भाई बड़ा है तो बड़ा पाव बन गया और ये जवाब गलत हो गया, ये सही जवाब नहीं है, इट्स रॉन्ग आंसर, ये जवाब सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ थोड़े से सवाल थोड़े से अलग हटके हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, समझ लेना सवाल का मीनिंग क्या है। देखो एक बच्चे को दिया गया कि परिमाप या परिधि, यानी एक परिमाप किसी भी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो सकता है। आपने कहा बच्चों से दो या दो से अधिक इसके लिए हो सकते हैं, बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा बोला हो सकते हैं, बच्चे ने बनाया क्या, बच्चे बोला जी 7 और 5 का हो सकता है, 8 और 4 का हो सकता है, 10 और 2 का हो सकता है। क्लियर है, ये आयत बन सकते हैं। अब देखो 5 और 7 से निकालेंगे तो परिमाप 24, 8 4 से निकालोगे तब भी परिमाप 24, आप 10 और 2 से निकालोगे 10 और 2 12 2 24, इससे भी परिमाप 24 आएगा। तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो जवाब ऐसे दे सर जी 7 5 8 4 या 10 2, या वो ऐसे चित्र बना के बताए, आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप बताइएगा। आप लोग सब देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या करना चाहिए आप बच्चे को अगर सवाल दे रहे तो वो चित्र बना के लिखे या फिर वो सिर्फ ऐसे लिख दे, आप कैसे करते हैं कक्षा 4 के बच्चे के लिए, आप क्या बोलेंगे बच्चों को,
आप किसको सही मानेंगे? कि बालक इनको फिगर आउट करे, यानी आकृति बनाकर आपको लिख कर दे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ यही अंतर है, ऑप्शन नंबर डी में कहा वो सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन को लिख सके, तो आप कॉम्बिनेशन लिख के और सही नहीं मानेंगे, आप क्या बोलेंगे कि वो उन्हें बनाने में भी संभव है और उनको बनाने में भी संभव है, तो इस तरह से वो आकृति बना के बताएगा, आप ये चीज जानना चाहेंगे, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी नाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए, आपके पास एक और सवाल, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। गणित की प्रकृति है, ओह बड़ा आसान सवाल है, इसको तो बचकाना सवाल मैं कहूंगा आप लोगों के लिए, तो कुछ आसान तो कुछ मुश्किल भी होते हैं, कुछ आसान तो कुछ मुश्किल भी होते हैं, सवाल सभी अपने होते हैं, उन्हीं सवालों को करके हम अपनी परीक्षा को ढोते हैं और उस परीक्षा को ढोने के बाद हमारे सर्टिफिकेट को हम प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। मैथमेटिक, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, इट विल बी लॉजिकल, क्योंकि गणित विषय तार्किक होता है और तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम गणित को पढ़ाते हैं, जिससे बालक की जो तार्किक शक्ति है, तार्किक क्षमता है, उसका अच्छे से विकास हो पाए। बहुत बढ़िया, एक और सवाल, चलो आसान सा सवाल। मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है, वह, ओ नंबर ही नंबर लगे, वह दूसरों से चर्चा और बहस और बात करने का आनंद लेती है, लेकिन गणित की समस्याओं पर चुपचाप काम करने में उसे कठिनाई होती है। मनु है ए अति सक्रिय बच्ची, दैट इज हाइपर एक्टिव गर्ल, बी काइनेथेस्टिक विद्यार्थी यानी गति संवेदी बच्चा, श्रवण शिक्षार्थी यानी हियरिंग लर्नर, दृश्य शिक्षार्थी विजुअल लर्नर, किस तरह की बच्ची है? देखो सवाल बहुत अच्छा है और आपके साथ ये कॉमन चीजें होती हैं, तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन के लिए है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। सब लोग सी को फॉलो कर, रंजना ने सी बोला है तो सभी ने सी पर मोहर लगाया है। ओ ओ ओ क्या बात है, आप सभी लोग सी बोल रहे हैं। वी 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 तो अच्छा, विजुअल 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 191 का सी। तो चलो भाई बहुत ही अच्छे से आप लोगों के जवाब आए हैं और आपका बताया हुआ जवाब एकदम देवी और सजनों सही जवाब है, इस बार आपने सही दिया। देखिए समझ में, आपने कभी कभी देखा होगा आपका साथी, आपका संगी, आपका दोस्त, आपका मित्र आपके साथ रहता है और जब वो पढ़ता है ना या पेपर में, तो वो बहुत जोर जोर से पढ़ता है, पढ़ता है ना जोर जोर से, और आप उसको बोलते हैं यार मुझे भी पढ़ने दे भाई, इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों पढ़ता है, मैं भी तो पढ़ता हूँ शांत होके, तू चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है, लेकिन उसकी बात दिमाग में नहीं आती, वो फिर से शुरू हो जाता है, आप जैसे ही बोलते हो फिर खत्म हो गया, फिर शुरू हो जाता है, ऐसा होता है ना जनरली। तो क्यों करता है वो? इसलिए क्योंकि जब वो बोलता है ना तो शब्द उसके मुखमंडल से निकलते हैं, उसके प्रिय कर्णों तक पहुंचते हैं और उन प्रिय कर्णों से उसके मस्तिष्क तक जाते हैं, जो छाप छोड़ते हैं, जिसे वो याद करता है, यानी वो बोलकर इसलिए याद करता है क्योंकि उसकी स्वयं की आवाज उसके कान में पड़ती है और जो कान में पड़ती है आवाज उसी से वो समझना शुरू करता है। वो चुप चुप पढ़ते हैं तो उसे मजा नहीं आए, वो याद ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? सुनने वाले विद्यार्थी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो समस्याओं पर चुपचाप करने का आनंद जो नहीं लेना है, उसे कठिनाई होती है चुपचाप काम करने में, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? वो श्रवण शिक्षार्थी होते हैं, लर्निंग उन बाय हियरिंग। ओके राइट जवाब आपने दिया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूजा एक शब्द समस्या सुनती है और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है, बिलर नहीं है नित्या, बिलर नहीं है नित्या, बहुत दिनों बाद नित्या से मुलाकात हो रही है, एक्चुअली नित्या मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसलिए नित्या सचिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके तो पूजा एक शब्द समस्या को सुनती है, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है, बहरहाल ज्यादातर उसकी जो प्रतिक्रिया वो गलत होती है। जब पूछा गया कि एक नोटबुक की कीमत 10 पैसे है, तो 8 नोटबुक खरीदने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी, तो शीघ्र ही उसका उत्तर आता है 50। उसे ये गलती सही करवाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए और उत्तर देने से पहले अपनी भाषा में प्रश्न को दोहराने के लिए कहना चाहिए। शिक्षक को इस तरह के कई प्रश्न देने चाहिए ताकि मूलभूत गणितीय संकल्पनाएं और समस्याओं को हल करने में पूजा का पर्याप्त अभ्यास हो सके।
शिक्षक को उसे उत्तर देने से पहले दो बार सोचने के लिए सख्त चेतावनी देनी चाहिए। शिक्षक को उसे अपनी कॉपी में दो बार प्रश्न को लिखने और फिर उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कहा पूजा ध्यान से सुनो, क्या बात है रंजना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जवाब क्या आया है कि वो शब्द समस्या को सुनती है और अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो पूजा को ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि वो गलती क्या कर रही है, वो सवाल सही करती है, लेकिन जैसे ही वो क्या करती है, आपके साथ भी होता है ना कि जैसे ही आपको सवाल दिखा आप तुरंत आक्रमण कर देते हैं, कहते हैं टूट पड़ो सवाल पर, टूट पड़ो सवाल पर, और जल्दी के चक्कर में उत्तर गलत हो जाता है। आपके साथ होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो पूजा के साथ भी यही हो रहा है, पूजा के साथ भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है, वो समस्या को सुनती नहीं है, उसका पहले ही तेजी से उत्तर दे देती है। तो टीचर ने क्या कहा, अरे पूजा बेटा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका उत्तर देने से पहले उसको समझो, अपनी भाषा में दोहराओ तो सही उत्तर दोगे, जल्दबाजी में क्या रखा है। इसलिए राइट ऑप्शन ए, शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए और उत्तर को अपनी भाषा में प्रश्न को दोहराने के लिए कहना जरूरी है, उसे कहना चाहिए। ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल, बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, लीजिएगा एक और सवाल। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, डॉली के बैग में 8 पेंसिलें थी, उसके पिताजी ने उसे 5 और पेंसिलें दी, डॉली के बैग में कितनी पेंसिलें हैं? इस प्रकार की शब्द समस्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैंने एक दिन पहले भी पढ़ाया था, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी, बिल्कुल। तो यहाँ पर किस वर्ग के अंतर्गत आती है? पृथक्करण, दोहराए गए योग, विस्तारण, शक्तिवरण। तो देखते हैं यहाँ पर जवाब बहुत तेजी से मिला है इस बार अजय ने, बहुत बढ़िया। अजय यानी समझ में आ गया आपको सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जवाब। आपने कहा है सी, रमेश ने कहा बी, दोहराया गया योग। तो यहाँ पर बी और सी के माध्यम से आप लोगों के जवाब प्रसन्नचित मुद्रा में है और सब लोग बी और सी बोल रहे हैं। सी 100% बोल रहा है, कोई बी 100% बोल रहा है। तो भाई जिन लोगों ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, उनके लिए बहुत बहुत बेकार बात, क्योंकि सवाल का जवाब गलत हो गया है साहब, बी इज नॉट द राइट आंसर। द राइट ऑप्शन जिन्होंने कहा डी, उनका तो एकदम गलत है, ठीक है। सी जवाब इज द करेक्ट आंसर। सुनीता, संजीता, वेलकम। तो राइट ऑप्शन विस्तारण। अब देखो मैं चारों को समझा देता हूँ, ये चारों आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको इनको समझाता हूँ, फिर देखिएगा सवाल कैसे हुआ। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पृथक्करण की बात आती है, इसका मीनिंग समझो क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। टिल्लू के पास 10 चॉकलेट हैं, उसने अपनी बहन राम प्यारी को 4 चॉकलेट दे दी। अब उसके पास कितने चॉकलेट्स हैं? तो आपने कहा 10 में से 4 घटा दो, 6 चॉकलेट, दैट इज पृथक्करण, यानी जुदा हो गए। मेरे पास कोई चीज थी, वो मुझसे जुदा हो गई, और जैसे जुदा हो गई तो मुझसे अलग हो गई। ओके, तो 10 से 4 कम हो गई, तो जब कम होती हैं चीजें तो वो क्या होता है, वो पृथक्करण होता है। इज इट क्लियर, बात समझ हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े। ओके, ओके, समझ में आ गई पहली बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है? दूसरा था दोहराया गया योग, रिपीटेड सम इसको बोलते हैं। रिपीटेड सम क्या होता है उसको समझ लेते हैं, दैट इज रिपीटेड सम, यानी इसको समझो क्या हुआ। रिपीटेड सम का मतलब क्या होता है, टिल्लू के पापा ने टिल्लू को 2 रुपए मंडे को दिए, 2 रुपए ही ट्यूजडे को दिए, 2 रुपए सैटरडे को दिए और 2 रुपए संडे को दिए। टिल्लू के पास कुल कितने रुपए हुए? आपने कहा 8, 2, 2, 2। जब सेम नंबर रिपीट होता है बार बार तो समझ लेना आपका उत्तर होता है आर पार, और वही होता है क्या, वही होता है दोहराया गया रिपीटेड सम, और यही सम आगे चल करके मल्टीप्लीकेशन बदल जाता है। इज इट क्लियर? अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है विस्तारण की और संयुक्तिकरण की, इन दोनों को मैं समझाने के लिए आपको नई स्लाइड पर लेके चलता हूं। यह बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत जरूरी भी है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो मैं एक नई स्क्रीन ले रहा हूं जहां पर मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। यह लिखा मैंने विस्तारण, यह लिखा मैंने संयुक्तिकरण। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में आता है।
और पेपर में आ गया तो गलत मत कर देना, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, विस्तारण को बोलते हैं एक्सपेंशन और एक्सटेंशन को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब दोनों की मीनिंग समझना, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ दोनों के पास, इससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी सवाल में, देखते रहेगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है यहाँ, मैं व्हाइट कलर में क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि टिल्लू के पास दस आम है, बिल्लू के पास पांच आम है, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब इन दोनों में विस्तारण और संयुक्तरण किस केस में बनेगा? अगर मैं बोलूं बिल्लू ने अपने आम टिल्लू को दे दिए, अब टिल्लू के पास कितने आम हैं? तो आपने कहा टिल्लू के पास कितने आम हुए, भाई पहले टिल्लू के पास दस आम थे, पांच उसे बिल्लू ने दे दिए, तो 15 आम हो गए। मतलब क्या हुआ कि टिल्लू के आम 10 से 15 बन गए, बढ़ गए। इज इट क्लियर? दैट इज एक्सपेंशन, विस्तारण। अब सेम सवाल था अगर मैं बात करूं संयुक्तिकरण के लिए, तो सवाल हुई था टिल्लू के पास 10 आम है, बिल्लू के पास 5 आम है। अब क्या हुआ तो बताओ, टिल्लू व बिल्लू दोनों के पास कुल कितने आम हैं? कुछ डिफरेंस पता लग रहा है क्या हो रहा है? वहां पर क्वेश्चन में क्या था, टिल्लू के पास 10 आम है, बिल्लू के पास 5 आम है, टिल्लू बिल्लू ने अपने आम टिल्लू को दे दिए, अब टिल्लू के पास कुल कितने आम हैं? टिल्लू के बारे में बात हो रही थी, इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या है कि टिल्लू के पास 10 आम है, बिल्लू के पास 5 आम है, तो टिल्लू और बिल्लू दोनों के पास, यानी दोनों की चीजों को एक साथ बोला गया है, टिल्लू का नाम भी लिया गया, बिल्लू का नाम भी लिया गया, उन दोनों व्यक्तियों को साथ में रखे, उन दोनों की चीजों को साथ में रखा गया है, यह संयुक्तिकरण है। किसको समझ नहीं आया? हाँ जी, किसको समझ नहीं आया बताएंगे जरा मुझे, कोई साथी जिसको समझ ना आया हो प्लीज आंसर दे सकते हैं अपना। तेजी से, ओके, बात समझ में आ गई जो मैंने बताया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई इसमें? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल क्या है, बहुत बढ़िया। तो गड़बड़ हो गई, तो यहां पर समझ में आया, फिर मैं रिपीट कर देता हूं जब तक आपका, एक बार और फिर समझ लीजिएगा। मैंने कहा विस्तारण में क्या है कि यहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होती है, टिल्लू के पास 5 आम, बिल्लू के पास 10 आम, बिल्लू ने टिल्लू को दिया, टिल्लू के पास 15 आम हो गए, तो उसका विस्तारण हो गया। संयुक्तिकरण का मतलब क्या था, टिल्लू के पास 10 आम, बिल्लू के पास 5 आम, तो टिल्लू और बिल्लू दोनों के पास कुल कितने आम? इस तरह की समस्याएं जब आपके सामने जुड़ती हैं तो वही समस्याएं बनती हैं संयुक्तिकरण की। होप सो क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं आपका एक और सवाल क्या कहता है आपसे। ऑल ऑफ यू आर रेडी ना? ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाना चाहता है, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा हो सकता है? अबेकस, डॉट पेपर, बीजगणित के टाइल्स या दो तरफा काउंटर। एक शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाना चाहता है, ऐसा करने के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ तोड़ आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलता है।
ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर, ये रहा कि भाई एक शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाना चाहता है, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है भैया, तभी तो मैं इस पर ले रहा हूँ, तभी तो मुझे क्लास यहाँ लेना पड़ रहा है स्टूडियो की जगह, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आज कुछ वर्क हो रहा है नेटवर्क पर, इसलिए प्रॉब्लम है। थोड़ा सा होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, वो अभी सही चल रहा है। ओके, तो सबसे अच्छा अबेकस, डॉट पेपर, 20 मिनट या 2.5 से 2 तरफा काउंटर, यानी एक शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाना चाहता है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारी दृष्टि में कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। ए अबेकस, डॉट पेपर, 20 मिनट के, नहीं छुट्टी नहीं होगी, टाइल से 2 तरफा काउंटर। तो यहाँ पर अजय ने कहा है 2 तरफा काउंटर, बहुत बढ़िया अजय, आपका उत्तर हमें 2 तरफा काउंटर मिला है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, प्रश्न का जवाब देते हैं आप बहुत ही खूबसूरती से, आप लोगों के जवाब जब यहाँ आते हैं तो बहुत ही अच्छा आनंद यहाँ पर क्लासेस में आने लगता है। सबने कहा है डी, किसी ने कहा है बी, किसी ने कहा सी, लेकिन बी तो किसी ने नहीं कहा, ए किसी ने कहा सी और डी, चलो समझ लेते हैं। देखिए, बच्चे को क्या सिखाना है, गुणनखंड फैक्टर सिखाने हैं। तो अबेकस क्या होता है, मैंने अबेकस आपके बारे में बताया भी, अबेकस क्या होता है, अबेकस एक इस तरह का फ्रेम होता है जिसके अंदर ये तार होते हैं, जिनके अंदर हम इस तरह से बॉल्स को लगा देते हैं, और बच्चा इन्हीं बॉल्स की हेल्प से जोड़ना घटाना और स्थानीय मान की संकल्पना को सीखता है। बात करते हैं डॉट पेपर की, ये क्या होता है, ये होता है डॉट पेपर ऐसे, डॉट पेपर, ये डॉट पेपर के इसमें सिर्फ डॉट डॉट लगे होते हैं, और इन डॉट पेपर से बच्चा क्या होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन की चीजों को समझता है। जैसे हमने कहा अच्छा यहाँ पर बच्चा आकृति बनाएगा, ऐसी आयत बना दिया, एक बच्चा बोला चलो जी ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, तो बच्चा ऐसी चीजों को बनाना यहाँ सीख लेता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी ये काम नहीं आएगा, हाँ ओके धापू, हाँ सी। और बात करते हैं बीजगणित टाइल्स की, ये बीजगणित टाइल्स क्या है, एल्जेब्रिक टाइल्स क्या है, उनको भी समझ लो, जो ये एल्जेब्रिक टाइल्स हैं, बीजगणित टाइल्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये एक तरह की इस तरह से टाइल्स होती हैं जिन टाइल्स के आधार पर चीजों को आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं ऐसे करके। और एक टाइल, जैसे हमने आपको ये आकृति बना के दिखाई, और इस आकृति में आपने कहा ये इस तरह से आपके टाइल्स आ गए, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 टाइल्स यहाँ पर है, तो आपने क्या देखा, 2 टाइल ऐसे, 3 टाइल ऐसे, तो बच्चा गुणनखंड सीख लेगा, 2 3 6, तो 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, समझ गए ना। तो सबसे अच्छा तरीका है बीजगणित टाइल्स। 2 तरफा काउंटर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज 2 फेस काउंटर, ये क्या होता है, ये कुछ स्ट्राइकर जैसा होता है, आपने देखा ना स्ट्राइकर, जैसे अब कैरम खेलते हैं उसमें स्ट्राइकर होता है ना, 2 कलर का, एक तरफ येल्लो व्हाइट रेड कुछ इस तरह से होता है, तो 2 कलर का होता है 2 तरफ से, तो जो स्ट्राइकर है वही 2 तरफा काउंटर है, 2 फेस काउंटर इसको बोलते हैं, 2 साइड काउंटर भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सपोज 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने 8 काउंटर लगाए, आपको 8 में से 3 घटाना है, तो आपने एक कलर की 8 लगाए, 3 बाद में डिफरेंट कलर के, सपोज ब्लू कलर था उसका और वो आपने अपोजिट कर दिया ऐसे, तो बच्चे कितने, 5, तो बच्चे ऐसे जोड़ना घटाना, बड़ा भाग जोड़ना घटाना यहाँ से सीख लेता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, बीजगणित के टाइल्स, एकदम सही जवाब। एक और जल्दी से बताइएगा, ये बहुत आसान सवाल है, एक और मैं जरा, हाँ
लाइट ऑन कर दो, जल्दी से पढ़ो बताओ क्या आंसर इसका। ओके, नीचे कक्षा दो के छात्रों द्वारा एक हल किया गया योग का प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या कहता है इसमें देखते हैं। ये प्रश्न आपसे कहता है कि एक बालक 27 को 72 के रूप में लिख देता है ना, एक बालक 27 को 72 के रूप में लिख देता है। तो 27 को 72 के रूप में लिख देने के कारण जो वो चीज समझता है उसके बारे में आपके विचार क्या हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो चलो देख लेते हैं इसको क्या जवाब देने के। दाई बाई समस्या से बालक जूझ रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम है? दृष्टि प्रक्रिया में बाधा की वजह से, गणित तथ्य बनाए रखने के साथ साथ समय बताने में कठिनाई की वजह से, अनुक्रम के भीतर गणना करने में कठिनाई की वजह से, या फिर छोटे जोड़ तोड़ से निपटने में कठिनाई की वजह से। तो यहां पर जवाब मिल रहा है बी, क्या बात है। तो यहां पर सबसे ज्यादा आंसर बी मिला है, जो एकदम एक्यूरेट जवाब आपने दिया है। क्यों? क्योंकि बालक 27 को 72 कर रहा है, लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम में जूझ रहा है, तो गणित तथ्य नहीं बना पा रहा। अब समय बताने में कठिनाई क्यों इससे कोरिलेट करता हूं? देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो टाइम डिमी होती है ना, दाएं बाएं की समस्या। बच्चे को आपने एक तो ये बना दिया आकृति, और एक आकृति बच्चे को आपने ये बना दी, बच्चा इन दोनों को एक जैसे समझ रहा है, जबकि छोटा बड़ा तो इसमें है, क्योंकि यहां हो रहा है आपका 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, यहां पर आपका 12 बजने में 10 मिनट रह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो दाई बाई को नहीं जोड़ पा रहा है। इसलिए क्या है कि वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं जोड़ पा रहा है, साथ में उसे टाइम बताने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। दैट इज द टास्क। इज इट क्लियर नाउ? बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओ ओ ओ, बहुत अच्छा जवाब है, मैं चाहूंगा इसका आंसर मिले। नी प्रश्न का जवाब क्या है, चलो देखते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा है, दीनू से 5 और 4 का योग करने के लिए कहा गया। सबसे पहले उसने अपनी उंगली पर 5 गिना, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 गिना, 1 2 3 4, फिर उसने 5 और 4 को एक साथ गिन के 9 कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो काम कर रहा है, ये काम करने की जो कला है, जो स्ट्रेटजी है, वो क्या है? डायरेक्ट मॉडलिंग, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रतिरूपण हिंदी में, पुनर्समूहन यानी रीग्रुपिंग, क्षतिपूर्ण दैट इज कंपनसेशन, वृद्धिकारी दैट इज इंक्रीमेंटल। आप तो सब जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। बहुत ही बढ़िया भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से जब आप आंसर देते हैं। दैट्स वेरी नाइस, ग्रेट आंसर्स यू आर गिविंग। बहुत बढ़िया, 196 का ए ऑप्शन आपने दिया है, काफ़ी लजीज आंसर है, जवाब आपका लाजवाब है, इसका कोई हिसाब नहीं। चलो देख लेते हैं आखिरकार आपका जवाब था क्या और आपने क्या इसको दिया। ओके, लेट्स सी, मैं सारे बता देता हूं। पहले बात करते हैं डायरेक्ट मॉडलिंग की। ये डायरेक्ट मॉडलिंग क्या है? देखो, डायरेक्ट मॉडलिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो बालक जब उंगलियों के सहारे से, कंकड़ पत्थर के सहारे से, किसी मूर्ख चीज के सहारे से जब चीजों को करता है, उसको डायरेक्ट मॉडलिंग प्रत्यक्ष प्रतिरूपण में आता है। वो प्रत्यक्ष रूप से चीजों को अनुभव करता है। जैसे उसने गिनती की 1 2 3 4 5, उसके आगे 4 और गिन दिया 1 2 3 4, अब गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहां पर हो गया। तो ये डायरेक्ट मॉडलिंग है। पुनर्समूहन का बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन, रीग्रुपिंग, जिसमें हासिल संबंधी प्रक्रियाएं की जाती हैं, लेकिन इसमें तो कहीं हासिल लगा ही नहीं है। वृद्धिकारी को होता है इंक्रीमेंटल, जब किसी चीज में किसी चीज को बढ़ाया जाता है और उसका इंक्रीमेंट यानी एक्सपेंशन होता है, तो वृद्धिकारी होता है। अब ये क्षतिपूर्ण क्या है, कोई जानता है? क्षतिपूर्ण को प्रतिपूर्ति भी कहा जाता है, ये पेपर में आया है, प्रतिपूर्ति भी कहा जाता है। जानते हैं आप प्रतिपूर्ति को? डॉली जी गुड इवनिंग, कैसी हैं? प्रतिपूर्ति को कोई जानता है? ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ण, कंपनसेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। किस किस को पता है इस तरीके के बारे में, कंपनसेशन के बारे में? कौन कौन जानता है मुझे बताएगा कोई, कंपनसेशन के बारे में आप में से कौन कौन जानता है, क्षतिपूर्ण प्रतिपूर्ति के बारे में? यस के नो? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, नहीं जानते तो नो लिखिएगा। डोली जानती है। ओके, तो कोई नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठे हैं। चलो मैं बता देता हूं, देखिए, हाँ, प्रतिपूरण, अगर हम बात करते हैं प्रतिपूरण की, तो मैं बता देता हूँ उसका मीनिंग क्या है, समझिएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैंने कहा अभी 2 बजकर
16 मिनट है। अब से 11 घंटे और 59 मिनट के बाद कितना समय होगा? सवाल समझ में आया? अभी 2:16 AM है, अभी 2:16 AM है, तो 11:59 यानी 11:59 के बाद क्या टाइम होगा? 11:59 के बाद क्या समय होगा, ये आपको बताना है। तो आपको एक बार में समझ में आएगा प्रतिपूरण का मीनिंग क्या है, कोई मुझे बताएगा आंसर? अभी 2:16 AM हो रहे हैं, अब से 11:59 के बाद क्या समय होगा? तो प्रतीक ने कहा 2:15 PM वाली, है ना, आप सभी यही कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें 2:16 में 11:59 कर दें ऐड, तो आपने क्या देखा, ये होगी 75 मिनट, 16, 9, 9 और 6, 15, 75, 75 मिनट तो लिखते नहीं है, तो 60 मिनट आपने एक तरफ निकाले तो 15 मिनट आए, 60 मिनट का घंटा बना वो यहाँ लग गया, 2 और 1 3 तो 14:15 यानी 2:15 PM। ये हुआ बेसिक तरीका, ये हुआ बेसिक तरीका। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की, मेंटोस क्या कहता है, समझते हैं मेंटोस वाली बात। अब उसने कहा अरे 11:59 हैं, तो बालक ने क्या काम किया, इसमें 1 मिनट जोड़ दिया अपनी तरफ से, चलो यार पहले 1 मिनट जोड़ लो, तो कितना बन गया, ये 12 घंटे हो गए पूरे, तो बच्चे के लिए तो आसान हो गया भाई, अभी जो है 11:59 जोड़ने से बड़े तो 12 घंटे जोड़ने, तो बालक ने 2:16 में 12 घंटे जोड़ दिए, तो 12 घंटे बाद तो 2:16 PM हो गया AM का। लेकिन ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि बालक ने 1 मिनट पहले जोड़ा था तो बाद में वही मिनट कम कर दिया 2:15 और सही उत्तर को प्राप्त किया। बस यही तरीका कि आप आसान बनाने के लिए पहले कोई चीज ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसी चीज को बाद में माइनस कर देते हैं, या पहले माइनस कर लेते हैं बाद में ऐड कर देते हैं, या पहले गुणा कर लेते हैं बाद में उसका भाग कर देते हैं, या पहले भाग कर लेते हैं बाद में गुणा कर देते हैं, एक चीज दूसरी चीज कंपनसेट कर देती है और उसी चीज को कहा जाता है प्रतिपूर्ति। अभी क्लियर है? I am beginner for seated exam. Please tell me what are the book to prepare for seated. I am from South India. No issue, Guru. If you are from South India, so don't worry. If you are appearing in seated, thank you, Dolly. अगर आपको लगता है, okay, did you understand in Hindi, Guru? Did you understand Hindi? If you are able to understand Hindi, then I will speak in Hindi. Otherwise, I will explain you all the concept in English. So don't worry if you are trying to appear in the seated examination, first of all you have to do mathematics. And the mathematics should be done. Okay, I will recommend a book that is R.S. Agarwal, from R.S. Agarwal you can do the basic content. If you need some pedagogy question, so I will give you, no issue. Okay Guru, so don't worry. आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, और ये रहा आपका नया सवाल आपके स्क्रीन पर। Here we go, 197. 40 से 48 को गुणा करने के लिए एक छात्र ने 1600 प्राप्त करने के लिए पहले 40 से 40 को गुणा किया, फिर 320 प्राप्त करने के लिए उसने 40 से 8 को गुणा किया, उसके बाद उसने इन दोनों संख्याओं को 1600 + 320 जोड़ दिया। इस तरह की संख्याओं से गुणा करना क्या कहलाता है, मॉडलिंग, प्रतिपूरण, पुनर्समूहन या विघटन? चाहूंगा, नो 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 प्रतीक, This is not for you. This is only for Guru. Actually, Guru Parashnath. Guru Parashnath is not able to understand Hindi. Just because I am from South, so the people from South are little bit confused with Hindi. That's why. बहुत बढ़िया. B option. अब तो आपको समझ में आ गया. क्या बात है? अब तो आपने बहुत अच्छे से किया. Guru, I didn't understand what you want to say. You are comfortable with Hindi? Only English. So Guru, it's very difficult to explain all the concept in English just because of there are lots of students in the class. If I go through with English, so all my dears and nears, learners, will not join the class by tomorrow. It's very difficult for us. Just because of most of the students from in my class having Hindi mode. मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या कहा, अगर आप ज़्यादा फास्ट में बोल गया हूँ, मैंने कहा अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाने लगूंगा तो मेरे साथी जितने भी हैं वो कल से क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, मेरे प्रिय मेरे छात्र छात्राएं हैं वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, है ना? ओके, सो मॉडलिंग, प्रतिपूरण, पुनर्समूहन या विघटन? तो आपने कहा प्रतिपूरण, अभी मैंने बताया ना,
बालक ने क्या काम किया, 40 से 48 को गुणा करना था, तो उसने क्या कम किया, 40 से 48 को गुणा करना था तो उसने पहले 8 कम कर दिया, तो उसने पहले 40 में 40 की गुणा कर दी, फिर जो 8 बचा उसमें 40 की गुणा कर दी और दोनों को जोड़ दिया। तो ये तरीका क्या कहलाया, पहले उसने जोड़ा घटाया 8, फिर उसी को ऐड कर दिया, तो ये तरीका क्या कहलाया, वो तरीका क्या कहलाया, ये तरीका कहलाया आपका प्रतिपूरण यानी कंपनसेशन। इज इट क्लियर? सो गुरु यू कैन डू वन थिंग, ऑल क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश ऑल्सो, इफ यू आर हैविंग एनी इश्यू देन आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली फॉर यू, डोंट वरी। ओके, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्र को 2/3 के बराबर भिन्नों को लिखने के लिए कहा, यहां छात्र द्वारा प्रयुक्त चिंतन कौशल ताल्लुक रखता है किससे, ज्ञान के स्तर से, मूल्यांकन के स्तर से, समझ के स्तर से या अनुप्रयोग के स्तर से, विच वन इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्र से 2/3 के बराबर भिन्नों को लिखने के लिए कहा, यहां छात्र द्वारा प्रयुक्त चिंतन कौशल ताल्लुक किससे रखता है, ज्ञान के स्तर से, मूल्यांकन के स्तर से, समझ के स्तर से या फिर अनुप्रयोग के स्तर से। बहुत बढ़िया, तो देखिए अगर बच्चा 2/3 के इक्विवेलेंट चीज काम करता है, 2/3 के इक्विवेलेंट चीजों को रखता है, तो 2/3 के इक्विवेलेंट भिन्न क्या लिखी उसने, बोला जी 4/6, बोला जी 6/9, वो बोला जी 16/24, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके। तो यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है जब वो एक जैसे भिन्न को लिख लेता है। और अगर यहां पर वो ये बोल देता ना कि बालक 2/3 के बराबर पिज्जा के चॉकलेट के टुकड़े कर सकता है, तब कौन सा आंसर होता, अगर वो यहां यूज कर लेता कि एक बालक 2/3 चॉकलेट को 2/3 भागों में बांटकर देता है, तब वो क्या होता, देन इट विल बी डी आंसर, तब वो एप्लीकेशन लेवल पर होता। याद रहेंगे जब भी वो गणित को यूज करेगा जनरल टर्म्स में तो वो किस लेवल पर होगा, वो अनुप्रयोग के स्तर पर होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एक और, पैसे और पैसे से जुड़े योग और व्यवकलन, योग मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आदि के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, कहानी कहना, भूमिका निर्वाह, बहुत सा अभ्यास या जोड़ तोड़ का उपयोग, इनमें से कौन सा सही तरीका होगा, ये मैं जानना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले, क्या मिलेगा, लेट्स सी। पैसे और पैसे से जुड़े योग और व्यवकलन आदि के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कहानी, भूमिका निर्वाह, बहुत सारा अभ्यास या फिर जोड़ तोड़ का उपयोग। तो यहां पर जवाब मिला है, दैट इज अबाउट सम एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, द बेस्ट वे टू टीच इज स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस यूजिंग मैनिपुलेशंस, विच वन इज द राइट आंसर फॉर यू। बहुत बढ़िया, देखो आपने बचपन में देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, टेंशन मत लो, आपने बचपन में देखा होगा तो अम्मा क्या कहती हैं, अम्मा कहती हैं अरे बहन हमारा लल्ला तो बहुत तेज है, हमारा लल्ला तो बहुत तेज है। बोले कैसे, अरे वो छोटा सा ही है, पैसे दिखाओ तो अभी पकड़ लेता, पैसा वापस नहीं करता। आपने भी अपने घर में देखा होगा कि जब आप बच्चे को पैसा देते हैं, छोटा बच्चा है तो पैसा रिटर्न नहीं करता, पैसा तुरंत ले लेता और हम बड़े खुश होते हैं ना, तो वही कंडीशन है, यानी पैसे की इंपॉर्टेंस को वो जानता है कि पैसे से क्या मिलेगी, चिज्जी, पैसे से क्या मिलेगी, चिज्जी मिलेगी, तो वो चिज्जी को बहुत प्यार करता है ना। तो कंडीशन वही है, अगर बालक को आप पैसे से रिलेटेड चीजों के लिए रोल प्ले का मेथड अपनाएंगे, यानी आप उसको बोलेंगे कि तुम खुद को स्वयं को लेट करो कि तुम्हें मैंने 10 रुपए दिए, तुम 2 रुपए की चॉकलेट लाए, 1 रुपए की टॉफी लाए, कितने रुपए खर्च किए, तो बालक एक बार में आंसर देगा, है ना। तो अगर आप पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बच्चे के साथ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको आप रोल प्ले मेथड से पढ़ाएं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था भूमिका निर्वाह, रोल प्ले मेथड। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू,
टेनग्राम किसे विकसित करने में सहायक नहीं है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। टेनग्राम किसे विकसित करने में सहायक नहीं है? एक, दृश्यात्मक स्थानिक कौशल को विकसित करने में। दो, बहुत सारा सवाल है, दो, स्थानीय मान की अवधारणा में। तीन, ज्यामिति शब्दावली की समझ में। या चार, विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध समझने में। यह शायद दूसरी बार क्वेश्चन आया है, मैंने ये शायद एक दिन और पढ़ाया था आपको क्वेश्चन, मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद क्वेश्चन मैंने एक दिन और पढ़ाया था आप लोगों को ये। चलो खैर कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, विच इज नॉट हेल्पफुल इन डेवलपिंग टेनग्राम, द टेनग्राम इज नॉट यूजफुल टू डेवलप इन विजुअल स्पेटल थिंकिंग इन द कंसेप्ट ऑफ लोकल वैल्यू अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिक टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिल रहा है बी ऑप्शन, क्या बात है, सभी लोग बी ऑप्शन को दे रहे हैं तेजी के साथ। क्यों भैया? क्योंकि आप जानते हैं टेनग्राम क्या है, मैंने बताया था ना, टेनग्राम है हमारा बिलोटा। याद आया कुछ? जब भी आपको टेनग्राम पढ़ना हो तो मेरे द्वारा रचित इस खूबसूरत पेंटिंग को जरूर देखना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा टेनग्राम क्या है, है ना। टेनग्राम पांच या सात आकृतियों का बना होता है, जिसके अंदर पांच सात आकृति होती है डिफरेंट डिफरेंट शेप, और उनसे बनाकर हम एक आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं जिससे बालक चीजों को समझता है। इसमें ज्योमेट्रिक की सारी समझ दी जाती है, इसलिए इसमें विजुअल स्पेटल थिंकिंग, ज्यामिति शब्दावली और ज्यामिति आकृतियों के भी संबंध को समझा जाता है। इसका कोई भी संबंध लोकल वैल्यू यानी स्थानीय मान की अवधारणा से नहीं होता, ठीक है ना। तो याद रहेगा स्थानीय मान से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये बात समझ में आ गई सभी को, लोगों को, कोई ऐसा मेरा साथी जिसको बात समझ में ना आई हो? बहुत बढ़िया, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और आनंद उठाएं और सभी नोटिफिकेशन को लगातार पाएं। अब इसके बाद साथ साथ में कल जो नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूं वो होगी आपकी रीजनिंग बेस्ड क्लास, ठीक है ना। तो रीजनिंग बेस्ड क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।